Of course, and the main team, Rahul, Dev and Sanjeev. They're in the crowd, Samir. If you can also come here, please. आप लोगों को कुछ बोलना है या ठीक है आगे चले हम लोग आगे चलते हैं कुछ बोलना है कुछ बोलना है थैंक यू वेरी मच बहुत कमती किम हाँ किम एक्टिंग डाउन भाई गाड़ा गणेश चाचा डांस एकेडमी को सपोर्ट करना दिस इज मैं चाहता हूँ कि दो शब्द आप कुछ बोल दें गाड़ा के लिए अपने लिए कुछ भी सबसे पहले तो थैंक्स बोल के गाली दे रहे हो मुझे सो यू नो जहाँ तक मुझे याद है यू नो आई फील मेरे जितने भी हिट्स है हिट सॉन्ग्स आई थिंक देर आर ऑल मास्टर जीज विसल वजह से लेकर डिंग डैंग तक आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ मास्टर तो मैंने ब्लाइंडली खाली मैं फॉलो करता था मास्टर को जो वो करते थे मैं कोशिश करता था कि कम से कम अगर 2-3% भी आए मास्टर जी की तरह तो गाना हिट है समझो मैं सच बताऊं 2-3 से कॉपी करता हूं इंस्टा पे अभी स्टाइल एक्सचेंज करते हैं बट या आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मास्टर जी यू नो लोग मेरा फर्स्ट सॉन्ग से जानते मुझे विसल वजह से सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल थैंक यू मास्टर आपने मुझे एक आइडेंटिटी दिया इंडस्ट्री में तो इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं And thank you for having me. And I'm sure ki GADA is going to be one of the biggest hit institutes, not only in India but soon all over the world. Thank you so much. Thank you very much. और मैं thank बोलूँ अटैगर आप बहुत कमती वक्त देखे यहाँ मेरे पास आए. Thank you very much. Thank you, master. Thank you everyone. Thank you guys. Thank you. Thank you so much. Thank you. एक क्या चीज़? लेकिन वो काजू में उनका प्यार है उनका आशीर्वाद है उनकी ब्लेसिंग है और जब जब काजू मुझे आता है और खाता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है उनका आशीर्वाद उन्हें भेजा है ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि मैं अमित जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हूँ मेरे लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ है मेरे हर कार्य में मेरे हर एक चाहे गाना हो या फिल्म हो उनका आशीर्वाद रहता है मुझे उनको एक ही चीज बोलता था कि टाइगर से आपको अच्छा करना है तो ये और फिर उन्होंने स्टेप की कोशिश की मेरे दादा इसे देखने के लिए देखिए ये एक फैमिली जैसे मैंने कहा अमित जी का शौक तो ये चक्कू का और टाइगर की मेरी फैमिली है इनका इन ये आके इन्होंने अपनी फैमिली का लॉन्च किया गाना का हर टाइम मेरी फिल्म हुआ कोई भी हो टाइगर वहाँ खड़ा रहता है ये बहुत प्यारा बच्चा है इतना प्यार करता है इतनी रिस्पेक्ट करता है मतलब मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों को फ़ोन किया लेकिन इसको अगर एक मैसेज दे दूँ फोन जैसे अमित जी का इमीडिएट रिप्लाई आता है अच्छा टाइगर का आता है ये बहुत बड़ी बात है हम जैसे टेक्नीशियन के तो मैं बहुत बहुत दिल से टाइगर को थैंक यू बोलता हूँ बोले मास्टर गाली में आई है टाइगर आप गणेश जी के गानों की अगर मैं बात करूँ हमने अपनी स्टेज पे भी देखा हर एक गाने हिट है वो कोई ऐसा गाना जो आप चाहेंगे कि रिक्रिएट किया जाए आपके ऊपर आप गाडा के गानों पर आप डांस करें आपने किया है लेकिन कोई भी ऐसा गाना एक फिल्म थी बाप नंबरी बेटा दस नंबरी मास्टर जी एक्चुअली वो गाना नारंगी मौसमी गाना था उसमें बैकग्राउंड डांसर थे तो वो बहुत प्यारा गाना है रियली लाइक दैट सॉन्ग तो अगर वो अगर कोई रीमेक करेगा तो शायद मैं वो गाना मास्टर जी के साथ दोबारा करना चाहूँगा मैं जग्गूदा को जब भी मिलता हूँ तो जग्गूदा को एक चीज बोलता हूँ मैंने उनके साथ एक गाना किया था तुम भी इनका सिर्फ तुम का उसमें वो रिक्शा वाले होते हैं और वो गाना था कि डरने की क्या बात है ऊपर वाला अपने साथ है तो मैं जगुदा को जब भी मिलता हूँ तो एक ही बात बोला डरने की क्या बात है ऊपर वाला अपने साथ है तो जगुदा के साथ आगे के साथ हमारे साथ ऊपर वाला साथ है तो क्या डरने की बात है
ओके वो कोई ऐसा गाना जो आप चाहेंगे कि रिक्रिएट किया जाए आपके ऊपर, आप दादा के गाडा के गानों पर आप डांस करें, आपने किया है लेकिन कोई कोई भी ऐसा गाना? एक फिल्म थी बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, मास्टर जी एक्चुअली वो गाना नारंगी मौसमी गाना था, उसमें बैकग्राउंड डांस करते हैं तो वो बहुत प्यारा गाना है, आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। तो अगर वो अगर कोई रीमेक करेगा तो शायद मैं वो गाना मास्टर जी के साथ दोबारा करना चाहूँगा। मैं जग्गूदा को जब भी मिलता हूँ तो जग्गूदा को एक चीज बोलता हूँ, मैंने उनके साथ एक गाना किया था तुम भी इनका सिर्फ तुम का, उसमें वो रिक्शा वाले होते हैं और वो गाना था कि डरने की क्या बात है ऊपर वाला अपने साथ है। तो मैं जग्गूदा को जब भी मिलता हूँ तो एक ही बात बोला, डरने की क्या बात है ऊपर वाला अपने साथ है। तो जग्गूदा के साथ टाइगर के साथ हमारे साथ ऊपर वाला साथ है, क्या डरने की बात है। ओके लेकिन वो काजू में उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है। और जब जब काजू मुझे आता है और खाता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है, उनका आशीर्वाद उन्हें भेजा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि मैं अमित जी के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मेरे हर कार्य में, मेरे हर एक चाहे गाना हो या फिल्म हो उनका आशीर्वाद रहता है। जैकी जी के साथ में काम किया है, अब टाइगर जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। फादर एंड सन पे क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आपके? बहुत जबरदस्त, जग्गूदा बहुत जबरदस्त डांसर है, टाइगर को डांस किया था। मैंने अभी जग्गूदा के साथ प्रस्थान का गाना किया है, बहुत ही जबरदस्त। मैं जग्गूदा के साथ जाके मोमेंट दिखा था तब मुझे उनको एक ही चीज बोलता था कि टाइगर से आपको अच्छा करना है। तो ये अभी उन्होंने स्टेप की कोशिश की मेरे दादा इसे देखने की। देखिए ये एक फैमिली है, जैसे मैंने कहा अमित जी का शौक, तो ये जग्गूदा और टाइगर की मेरी फैमिली है। इनका आके इन्होंने अपने फैमिली का लॉन्च किया गाना का, हर टाइम मेरी फिल्म हुआ कोई भी हो टाइगर वहाँ खड़ा रहता है। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इतना प्यार करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है, मतलब मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों को फ़ोन किया लेकिन इसको अगर एक मैसेज दे फोन जैसे अमित जी का इमीडिएट रिप्लाई आता है वैसे टाइगर का आता है, ये बहुत बड़ी बात है हम जैसे टेक्नीशियन के। तो मैं बहुत बहुत दिल से टाइगर को थैंक यू बोलता हूँ, बोले मास्टर गाली मार दिए। गणेश जी के गानों की अगर मैं बात करूँ, हमने भी स्टेज पे भी देखा हर एक गाने, गणेश आचार्य डांस एकेडमी ये ओपन करने का, जैसे कई लोगों ने मुझे सवाल किया कि आपने बहुत लेट स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेट नहीं, ये सही टाइम है ये गणेश आचार्य डांस एकेडमी लॉन्च करना है। क्योंकि आप जब अपना करियर स्टार्ट करते हो तो आप सोचते हो कि मेरा एक स्टाइल क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरी एक पहचान क्या है। तो अब जाके मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो पहचान है वो बॉलीवुड स्टाइल है, मेरा एक अपना यूनिक स्टाइल है, मेरे कई गाने हैं जहाँ पे लोग स्टेप सीखते हैं, जो चेहरे से देखते हैं, जो अपने मेरे डांस को देख के इंजॉय करते हैं। तो ये स्टाइल मुझे दुनिया भर फैलाना है, इसलिए मैंने गाढ़ा गणेश आचार्य डांस एकेडमी लॉन्च किया।